गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 7। फर्स्ट टेस्ट हमारा हो चुका है, अब हम रिवीजन करेंगे सेकंड टेस्ट की। सेकंड टेस्ट के लिए बेटा हमने क्या बताया था कि आपका जो सिलेबस है सेकंड टेस्ट में, उसमें एक्सरसाइज 1.4, 2.1, 2.2 एंड 2.3 आएंगे। ओके, तो सेकंड टेस्ट में जो हमारी 1.4 है, मैं आज आपको उसकी रिवीजन करवाऊंगी। अब आप जैसे आपने फर्स्ट पेपर अपना दे दिया है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि पेपर किस तरह से आएगा, कैसा आएगा, तो आपको उसी हिसाब से अब अपनी तैयारी करनी है। तो अब मैंने जैसे अब हमारा जो 1.4 है उसके अंदर है ना, हमारे डिवाइड वाले क्वेश्चन है। देखो अभी तक जैसे हमने मल्टीप्लाई वाले किए थे, क्वेश्चन में भी मैंने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन डाले हैं। अब इस वाली एक्सरसाइज में आते हैं हमारा डिवाइड का। तो बेटा ये बात मैंने जब आपको एक्सरसाइज करवाई थी तब भी मैंने बहुत बार ये बात बोली थी, और अब मैं अब भी यही बात बोल रही हूँ कि जो बच्चे हैं जो डिवाइड वाले क्वेश्चंस होते हैं उसे मोस्टली गलती करते हैं, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप एग्जाम बहुत अच्छे से कर पाओ। तो देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है -6 / -3, तो जो -6 है वो हम लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। जो ये डिवाइड है, इस डिवाइड को हम किस में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में बदल दिया। जो इसके बाद वाला जो नंबर होता है ना बेटा, इसका करते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना। तो ये -3 है तो ये कितना हो जाएगा, -1/3। माइनस ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, और जैसे ये 3/1 है ना, जिसके इसके नीचे 1 मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 नेगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ में। इसी तरह इसका सेकंड है, जैसे इसका ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन। अब जैसे इसका 2 आंसर आया, मैं ऑप्शन में मान लो मैंने आंसर डाल दिया आपका, 1 का 0, B का 2, C का 4 और D का 5, तो आपको आंसर क्या है, 2, तो आप क्या कर दोगे, 2 पे क्लिक कर दोगे, क्लियर। इसी तरह जैसे इसका सेकंड है, सेकंड में हम क्या करेंगे, जैसे 0 / -12, 0 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, -1/12, ये कितना हो जाएगा, 0, 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। है समझ में। इसी तरह जैसे ये है 369 डिवाइड, अब जैसे मान लो ये सिंधी ब्लैक्स दे दूंगी मैं आपको ऐसे, ठीक है, कि 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 369 ही आए, तो वो अब मैं लो, आप देखो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगी तभी ये आएगा ना। अब मान लो मैंने आपको ऑप्शन दे दूंगी कि भाई यहाँ पे 5, बी यहाँ पे 3, सी यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, डी पे मैंने 0 दे दिया। तो देखो अगर आपको पता है कि 1 की टेबल से अगर हम कुछ भी डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर एज इट इज आता है, तो मान लो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे 1 1 से करेंगे तो 1 पे आप टिक कर देना, है ना। तो ऐसे जो फिल दिन ब्लैंक से आपकी एक्सरसाइज में है तो आप ऐसे कर सकते हो। इसी तरह जैसे ये -36 है, एज इट इज मल्टीप्लाई, ये कितना जाएगा, -1/9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाए, -4 × -1, कितना आंसर आ जाएगा, 4, क्योंकि 2 नेगेटिव हम मल्टीप्लाई में क्या जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, क्लियर। अब जैसे ये है, ये क्या है, 4 / आगे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो कहते हैं कि डिवाइड बाय है, तो बताओ कि मैं 4 से क्या डिवाइड करूं कि आंसर मेरा -3 आ जाए। अब देखो 4 की टेबल पे 3 में क्या होता है, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, कि 4 की टेबल पे 3 पे आता है हमारा 12। तो मैं इसमें क्या करूंगी कि इसको मैं 12 लिख दूंगी यहाँ पे। अब देखो इसको अगर आप डिवाइड करो, 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 3 जा 12, हो गया ना, 3 आ गया। बट ये क्या है बेटा, -3, ये इन्होंने ऑलरेडी हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमें इसके आगे क्या लगा दूंगी, मैं माइनस का लगा दूंगी। आया, तो पता चला ना। तो मान लो मैंने ऑप्शन में डाल दूंगी मैं आपको, जैसे मैंने एक डाल दिया 12, एक डाल दिया -12, एक डाल दिया 3 और एक डाल दिया मैंने -3, तो आप सोचोगे कौन सा आंसर, तो देखो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -12 है ना, तो आप -12 पे टिक कर दोगे, क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, इस 1.4 के अंदर आपके टोटली सारे यही एक्सरसाइज है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं 2.1 वगैरह 2 करवाऊंगी आपको, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस बना के देख के करने हैं कि आपको एक एक नंबर के वो क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, टेस्ट अपना अच्छे से करना है, बिल्कुल रफ कॉपी पेन अपने पास लेके बैठना है, उसको सोल्व करो और फिर सोच समझ के उस पर टिक लगाओ, ठीक है।
ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, नंबर नहीं कटवाने अपने। सो हैव ए नाइस डे।